सो आई एम एट टेम्पल एडवेंचर और आज का सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि मैं स्कूबा डाइविंग करने जा रहा हूँ. सो आई विल बी अनलॉकिंग वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फियर विच इज इन डेप्थ गोइंग इन टू द वॉटर इन टू द सी इन टू द ओशन एंड एक्सप्लोरिंग ऑल द सी एनिमल्स. तो देखते हैं पहली बार लाइफ में स्कूबा डाइविंग करेंगे विद टेम्पल एडवेंचर. Feeling okay, all right. If at all you are not feeling okay, just do this, all right. Wherever you are not feeling okay, if you can point out, then it's well and good, all right. Preferably you will understand that your eyes, nose, mouth or ears, these are the places that you figure out that something is not okay. So imagine that your right ear is equalized and your left ear is not equalized. You show right ear is okay, left ear is not okay. That's how you point out. Make sense? Cool. 6.5 hours later. So just got done with the scuba diving. मेरी आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क होगा, थोड़ा सा अलग लग रही होगी मेरी आवाज़. Don't bother about it, because मेरे दोनों कान बंद हुए पड़े हैं और एक दिन लगेगा इनको खुलने में या फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 घंटा आराम से. और टेम्पल एडवेंचर से मैंने किया है. This is not at all a sponsored video. This is coming from दिल से. तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बहुत ही बढ़िया. डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, बट अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, एग्जॉस्टेड हूँ, एग्जर्टेड हूँ, तो मैं सोना चाहता हूँ. One eternity later. मेरी शक्ल पे अगर आपको 12 बजे में दिख रहे हैं तो ये एक पहचान है, एक टायरिंग, एग्जॉस्टिव, फन, थ्रिल और एक मज़ेदार दिन की, जो कि आज मैंने स्कूबा डाइविंग में बिताया है. का ये टाइम देते हैं. पहला आर जो होता है वो ब्रीफिंग में जाता है. एक इंस्ट्रक्टर रहता है जो आपको पूरा ब्रीफ करता है. एक वीडियो होती है जो कि आप देखते हो, 17 मिनट की कोई वीडियो है. उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हो प्रॉपर. ये पूल में आपको सारे स्किल सिखाएंगे कि अगर आपके माउथ में पानी चला गया तो आप कैसे निकालोगे, मास्क में पानी चला गया तो आप कैसे निकालोगे, और सारे स्किल्स सिखाते हैं कि अंडर वाटर कैसे आपको अलाइव रहना है, जीवित रहना है और मजे करने हैं. एक्चुअली 14 पीपल का बैच जाता है, लेकिन हम लोग उस पर 7 लोग थे, तो 7 लोग और आए हुए थे. उनका ट्रेनिंग जब हो रहा था, जब तक तब तक हम लोगों ने ऊनो खेला. बहुत ही बढ़िया लोग थे. 3 लोग बैंगलोर से आए हुए थे, 3-4 लोग, कुछ फादर सन का डुओ था वो दिल्ली से आए हुए थे. फिर हम लोग बस से गए डॉकयार्ड तक, जहाँ से हमने बोट ली. इट वॉज अ 30-मिनट लॉन्ग ड्राइव विच इज इन टू द ओशन और टूवर्ड्स द ओशन. अंदर होगा, फिर वहाँ पे हमने 2C बोट पे जंप इन किया या हॉप इन किया. 2C यहाँ पे एक्चुअली टिंकू एक डॉग थी जो कि मर गई, और लूसी करके एक कैट है, उनके ऊपर उन्होंने एक बोट का नाम रखा हुआ 2C. तो हम लोग उस बोट पे थे. टर्न बाय टर्न एज इन 3 पीपल का ग्रुप या 2 पीपल का ग्रुप या 4 लोगों का ग्रुप टर्न बाय टर्न जा रहे थे डाइविंग के लिए. और सच्ची बताऊं, पूरे 4 घंटे के एक्सपीरियंस में सबसे बेकार होता है आपको उस शिप में वक्त गुजारना, क्योंकि वो हमेशा ऐसे 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 वेव्स की वजह से होती है, जिसकी वजह से आपको सी सिकनेस होती है, पेट गुड़गुड़ करता है, उल्टी आती है. और ये हर किसी के साथ होता है, कोई भी 30 मार खाओ उसके साथ भी होगा. तो मेरे को भी उल्टी आई. लकीली मैंने कुछ खाया नहीं था, सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं था, सिर्फ चाय पे था, तो मुझे उल्टी नहीं आई, थूक निकली बस. बट बहुत ही डिजी, बहुत ही गंदा लगता है. कोशिश करिए कि आप अपना टर्न पहले कर ले, अगर नहीं भी होता है तो आराम से जाइए, जल्दबाजी मत. तो जब टर्न आता है तो कहते हैं आप अपना लाइफ जैकेट उतारिए,
जैकेट पहने, उसमें सिलेंडर्स अटैच होते हैं और रेगुलेटर होता है, मास्क होता है, आपको फिन्स पहनाए जाते हैं और टॉपसी टर्वी, देयर यू गो इनटू द ओशन। आपके साथ इंस्ट्रक्टर रहता है, वो आपको धीरे 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 करके अंदर लेके डेप्थ में लेके जाता है। बोलता है ताकि आपकी कान से जो प्रेशर है वो रिलीज हो। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे आपके कान पे प्रेशर बढ़ता रहता है, यहाँ पे आपको हर्ट होता है। तो जो हैंड जेस्चर्स होते हैं, जो हैंड सिग्नल्स होते हैं, वो आपको बताना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कैन डू दिस एंड पॉइंट कि मेरे ईयर में हर्ट हो रहा है, तो वो बोलेगा आपको करना क्या है। वो बोलता है पिंचिंग करने को, तो पिंच करना है। फर्स्ट यू नीड टू टेक इन, ब्रीद इन एयर, पिंच, रिलीज इट फ्रॉम योर नोज सो दैट योर एयर ईयर पॉप्स एंड द प्रेशर रिलीजेस। और धीरे धीरे करके आप नीचे जाते हो और सबसे बढ़िया मोमेंट आता है तब जब आप स्कूल्स ऑफ फिशेस, हंड्रेड्स ऑफ फिशेस अलग अलग तरीके की देख रहे होते हो और जो एक्सपीरियंस आपके सामने हो रहा है, आपके कोई कान से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, इन टू द ओशन, इन टू द वाइल्ड, आप जो नज़ारे देख रहे होते हैं आपको यकीन नहीं होता है आप कहाँ आ गए हो। तो वो आपको सारे पेन्स, सारे दिमाग के फियर्स दूर करा देता है। एंड देयर यू एंजॉय, व्हेन यू एंजॉय यू जस्ट हैव टू डू दिस, दिस मींस ओके एंड दिस मींस ऑसम मैन, ऑसम। बस फिर क्या, यहीं पे 20-25 मिनट्स कब गुजर जाते हैं। एट मैक्स वो 12 मीटर डीप ले ही जाते हैं। बेसिक कोर्स में आप सिर्फ 12 मीटर डीप जा सकते हो। मैं 4-5 बार ये किया, ये मतलब और नीचे जाना है, और नीचे जाना है, बट इंस्ट्रक्टर माना नहीं। तो जब हमारे पास कुछ था नहीं करने को और नीचे जा नहीं सकते थे, तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने कलाकारियाँ दिखाई। उसने मुँह से बबल निकालना, रिंग्स बनाना शुरू किया अलग अलग तरीके से, और ही वॉज लाइक शोइंग हिज स्किल्स ऑफ, बट आई वॉज लविंग इट मैन। क्या एक्सपीरियंस था, फोटोज वीडियोज खींचे, दूसरे के साथ हैंड बम्प्स किए, हैंड फिस्ट किए, और बहुत ही फिस्ट बम्प्स, मतलब बहुत ही मज़ा आया, बहुत, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एक और चीज़, वाई ईस्ट साइड एज एन बे ऑफ बंगाल इज़ अ गुड एरिया फॉर स्कूबा डाइविंग, बिकॉज पहला तो यहाँ मानसून्स नहीं होते हैं, अभी इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है। दूसरा, यहाँ पे वाटर बहुत क्लियर है क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम आता है एज कम्पेयर टू द वेस्ट साइड विच इज़ गोवा, तारकरली, मुंबई, उस साइड से ज़्यादा यहाँ पे नहीं आता है टूरिस्ट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है यहाँ पे एक्सप्लोर करने की वाइल्ड सी एनिमल्स को। कुछ लोगों को बेबी शार्क्स दिखे हैं, कुछ लोगों को मांटा रेस दिखा है, कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं, और हाँ, इंटरनेशनली पैडी सर्टिफिकेट मिला है मुझे, तो छोटी मोटी बात नहीं है। कहीं भी अब मैं वर्ल्ड में इसको दिखा के फ्लेक्स कर सकता हूँ, शो ऑफ कर सकता हूँ, और कहीं भी मैं स्कूबा डाइविंग कर सकता हूँ। एक और चीज़, जब आप वापस आएंगे तो आपके ईयर्स जो है ना वो ब्लॉक रहेंगे, एंड इट कैन हैपन कि वो पूरा दिन ब्लॉक रहें, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। मेरे दोनों ईयर्स ब्लॉक थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, एंड आखिर मैं बस सोया हूँ। मुझे जो भूख लगी है, बच्चे की तरह मैंने खाना खाया है, वेज बिरयानी और मसाला पापड़ ऐसे खाया है, ऐसे ठूसा है कि कुछ पूछो मत। फिर मैं सोया 3-4 घंटे, और शाम में जाके मेरा लेफ्ट ईयर पहले अनब्लॉक हुआ, राइट ईयर अब जाके 2 घंटे बाद ब्लॉक हुआ, अनब्लॉक हुआ है।
तो आई होप आपको ये व्लॉग ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आई हैव ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल एज एंटरटेनिंग एज पॉसिबल. कमेंट करिए अपने थॉट्स जो भी पसंद आया हो, कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली हो तो भी बताइएगा. लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही घूमते रहिए. इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ. ऐसे ही खुश रहो, मजे करो, ऐश करो और घूमते रहो. दिस इज मी साइनिंग ऑफ अनिरुद्ध साठे. बाय बाय, टाटा, टेक केयर.